हाय दोस्तों, जैसे कि हम लोग 11th बायोलॉजी का आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग आज 11th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। तो दोस्तों देखो, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। लेकिन कंडीशन क्या होगी, सारे के सारे किसके अंदर मिलने चाहिए, एक टिश्यू के अंदर मिलने चाहिए। किसके अंदर मिलने चाहिए दोस्तों, टिश्यू के अंदर। एक टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन, ये देखो, ये आपका मान लो ये टिश्यू का एक पीस है। उस टिश्यू के पीस के अंदर जितने भी आपको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आया? ये तो रही आपकी बुक की डेफिनेशन। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देखो, एक मॉलिक्यूल और केमिकल जो प्रेजेंट है इनसाइड दी सेल या टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। किसको? मॉलिक्यूल्स और केमिकल जो प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे कि देखो, मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखो, मान लो ये टिश्यू है, इसके अंदर मान लो देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। देखो यहाँ पे मान लो, देखो ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर मान लो ये कुछ बायो मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। देखो मैं खाली फर्स्ट लेटर लेटर लिख रहा हूँ, जिसको आपको समझ जाना है। कैपिटल एम का मतलब है मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको नीले से। देखो ये मान लो कुछ उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट है। नीला वाला क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट है। तो इसी, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलने वाले दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलने वाले कि ये क्या है, एक बायो मॉलिक्यूल्स है। क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये तो हुआ आपका दूसरे बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये जितने भी आपको मान लो ये सारे के सारे कैसे हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। किसके अंदर? एक टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये तो हम लोगों ने बात की कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कैसे देख सकते हैं, कैसे पता चला और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए सीधा साधा दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या करना है, ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है, ये लीवर है। और ये आपका कोई भी मान लो वेजिटेबल है, जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो, ये लीवर का एक आपको एक पीस ले लेना है, या फिर वेजिटेबल का एक पीस यहाँ से कट कर लेना है। जब आप लीवर का या वेजिटेबल का एक पीस यहाँ से काट के निकालोगे या कट करके निकालोगे, तो उसको क्या करना है, आपको इसके अंदर डाल देना है। इसको हम लोग मॉर्टल और पिशल कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने तो इसको नॉर्मली देखा होगा, घरों में भी देखा होगा, जिसको हम लोग उखली कहते हैं। देखो किस इसके अंदर डाल के हम लोग ना किसी चीज़ को कूटते हैं। कूटने से क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में चले जाते हैं। लेकिन ये तो आपको डालना है, साथ में आपको क्या डालना है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड लेना है। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड लेना है आपको। क्या लेना है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड लेना है। और इस एसिड को भी इसके अंदर डालना है। क्या करना है, लीवर का पीस लेना है या फिर वेजिटेबल, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो दोनों में से कोई एक पीस लेना है, जिसको इसके अंदर डालना है, और ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को लेना है, उसको मिलाना है इसके अंदर। अब इसके अंदर मिला के क्या करना है, आपको ये जो आप देख रहे हो पिशल, इसको अप एंड डाउन करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके छोटे 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 पूरे पीसेज हो जाएंगे। जब छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे, तो क्या करना है, आपको इसको छान लेना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पूरा डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। देखो तो कुछ ऐसा, जब आप इसको कूटोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब इसको छानना है। अब इसको छानेंगे कैसे,
ये भी मैं दिखाता हूं आपको। अब क्या करना है दोस्तों, देखो जब इसको आप क्या करोगे, देखो आपने इसको क्या कर लिया, कूट लिया। कूटने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक कपड़े में डाल रहे हो दोस्तों। ये कपड़ा कौन सा यूज करना है आपको, आपको ये कपड़ा यूज करना है कॉटन का। कोई भी एक पीस ले लेना है कपड़े का, उसके ऊपर से छानना है। कॉटन का पीस हो सकता है या फिर इसको अपन कहते हैं चीज क्लॉथ। क्या कहते हैं, चीज क्लॉथ। मैं हमेशा दोस्तों इनिशियल वर्ड ही लिखूंगा, समझ में आया, इनिशियल लेटर ही लिखूंगा, शुरुआती एक उसका कैपिटल वर्ड ही लिखूंगा। तो देखो ये क्या है, ये सी का मतलब है चीज और ये सी का मतलब है क्लोथ। आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज क्लोथ लेना है। जब आप चीज क्लोथ लोगे तो क्या करोगे, उसके ऊपर से आपको देखो इसके ऊपर ऐसे गिराना है। गिराने के बाद क्या होगा, जो देखो ये जो देखो जो नहीं छन सकता ऊपर रुक जाएगा, और जो छन जाएगा वो कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो छन जो छन चुका उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। लेकिन देखो जो नहीं छना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंटेंट। समझ में आया, जो छन चुका उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, और जो नहीं छना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटेंट। तो देखो दोस्तों ये रहा, देखो ये जो छन चुका उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट, और जो नहीं छना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिटेंटेंट। तो दोस्तों जो छन चुका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलेंगे। और जो नहीं छना हुआ है, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिटेंटेंट की, इसको क्या बोलेंगे, एसिड इन सॉल्युबल, एसिड एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, किसको, रिटेंटेंट को। और फिल्ट्रेट किसको, फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अभी ढंग से इमेज दिखाता हूँ दोस्तों इसका भी आपको, तो ज्यादा क्लियर है। तो ये देखो दोस्तों जो छन चुका उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट को और क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो नहीं छना हुआ है दोस्तों, जो ऊपर देखा था अभी अपन ने, जो ऐसा पेस्ट के फॉर्म में बट दिख रहा था अपने को, उसको अपन क्या बोलते हैं, थिक स्लूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, थिक स्लूरी कहते हैं। किसको, जो कपड़े के ऊपर बच गया था ना, अब भी मैंने आपको दिखाया, देखो जो कपड़े से छाना गया था चीज क्लोथ से या कॉटन के क्लोथ से, उसके ऊपर देखो कुछ एक पेस्ट जैसा बच गया था, तो वो पेस्ट वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थिक स्लूरी भी कहते हैं। तो देखो इसको हम लोग रिटेंटेंट कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, और थिक स्लूरी। तो दोस्तों ये जो छन चुका है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने अब भी आपको बता, नहीं वो तो बायो मॉलिक्यूल्स था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, देखो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि जो फिल्ट्रेट मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेंगे उनके अंदर अपने को कार्बन वाले कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर क्या, तो यानी कि फिल्ट्रेट में अपने को क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अच्छा जब ये मिल जाएगा अपने को, तो क्या हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी अपने को उस, रुको दिखाता हूं मैं आपको। तो क्या दोस्तों देखो, जो भी अपने को यहाँ, ये देखो यहाँ जो भी अपने को ये जो फिल्ट्रेट में मिल जाएगा वो क्या होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो क्या यहाँ से हम लोग एक, ऐसा क्यों बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्तों, आपको खाली ना कोई भी चीज रटनी नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बोलता हूँ, उसको समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोलने का मतलब क्या है उसका, यानी कि जितनी भी चीजें अपने को फिल्ट्रेट में मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, सारी की सारी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगी। कैसी होंगी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगी सारी की सारे। समझ में आया, तो पूरे के पूरे जितने भी, तो इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि आदमी के शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में, एक लिविंग टिश्यू के अंदर, जितनी भी लिविंग टिश्यू है उसके अंदर अपने को ये बात पता चल जाएगी कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेट का। जब एनालिसिस करेंगे तो वहां से अपने को ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि एक लिविंग टिश्यू में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं अपने को। यहां से मतलब यहां से तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि यहां से तो अपने को ये बात डायरेक्ट क्लियर हो जानी है ना, कि अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, कितने इसके अंदर मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने प्रेजेंट है।
तो दोस्तों आज तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको हम लोग कैसे देख सकते हैं, बस ये चीज़ें ही आपको बताया है मैंने। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसका एक और, ये तो किसके लिए था? सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए था। तो कुछ ऐसे जरूरी थोड़ी ना अपने बॉडी में पूरे के पूरे ऑर्गेनिक ही कंपाउंड है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड से जो इनऑर्गेनिक है, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको कैसे जाना गया दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से होगा यूं कि जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा, समझ में आया? और हर दिन आपको वीडियो मिलने वाली है दोस्तों, अपन एकदम मजे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ यहाँ पर रटने वाली नहीं होगी आपके लिए, सारी चीज़ें ढंग से समझाऊंगा मैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।